हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लास। एंड इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, आपको बोर्ड में टॉपिक दिख रहा है, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो जो टॉपिक समझेंगे वो है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व को हम और क्या क्या नाम से जान सकते हैं, दैट इज अदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, मीनिंग क्या है उसका या फिर डेफिनेशन क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व की। ठीक है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व के एजम्पशंस क्या क्या है। आफ्टर दैट इसको एक डायग्राम के हेल्प से भी हम समझेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व उसका डायग्राम कैसा होगा एंड उसमें जो भी पॉइंट्स रहेंगे उसका मीनिंग क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट होगा फीचर्स ऑफ पीपीसी, तो क्या क्या फीचर्स है पीपीसी के बारे में। ठीक है, ये होगा पीपीसी का फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में भी कुछ टॉपिक्स मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले ये वाला खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि अदर नेम्स ऑफ पीपीसी, पीपीसी मतलब क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व को हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी, दिस इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, पीपीसी। ठीक है, तो इसको और भी नाम से आपको मिले बुला सकते हैं आप इसको, जैसे कि पीपीएफ, या फिर इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, जो कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीसी। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व को हम क्या क्या नाम से जान सकते हैं, वन इज पीपीएफ दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर, और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व दैट इज टीसी। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ पीपीसी। ठीक है, इस चीज को समझते हैं, समझ तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का मीनिंग, या फिर डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कॉमोडिटीज। यहाँ पर कितना कॉमोडिटीज को कंसर्न, मतलब फोकस कर रहे हैं, टू डिफरेंट कॉमोडिटीज। ठीक है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व ऐसा कर्व है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ कोई भी दो कॉमोडिटी को दिखाया जाता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम में, जहां पर जो गिवन रिसोर्सेस है, जो लिमिटेड है, उसका ये फुलर यूटिलाइजेशन करके और जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके प्रोडक्शन करना पॉसिबल है। नाम ही है पॉसिबिलिटीज, मतलब कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या शो करेंगे, हम टू कॉमोडिटीज शो करेंगे जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज शो करेंगे जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी। ठीक है, और क्योंकि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, उसका फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज यही बताता है कि मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर कोई भी दो कॉम्बिनेटी हमको प्रोड्यूस करना है, तो हम एक कॉम्बिनेटी कितना प्रोड्यूस करेंगे और दूसरा कॉम्बिनेटी कितना प्रोड्यूस करेंगे, इसी का कॉम्बिनेशन शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। ठीक है, इसके कुछ एजम्पशंस है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके एजम्पशंस क्या है, एजम्पशंस व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। ठीक है, जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को स्टडी करते हैं, तो इसका जो एजम्पशंस है वो है, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं है रिसेंटली। ठीक है, नो चेंज इन रिसोर्सेस। ठीक है, मतलब रिसोर्सेस में ना ग्रोथ हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है, सो देयर इज नो चेंज इन रिसोर्सेस। ठीक है, थर्ड, द रिसोर्सेस आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, जो रिसोर्सेस है, गिवन रिसोर्सेस है, वो फुल्ली यूटिलाइज्ड। तो ये तीन इसका एजम्पशन है, क्या क्या है, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, देर इज नो चेंज इन गिवन रिसोर्सेज, और जो भी रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड है वो जो है फुली यूटिलाइज है। ये इसका एजम्पशन है, ये डेफिनेशन है और ये एजम्पशन है। और इसके आगे देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसा रहेगा, और डायग्राम की हेल्प से जो है इसके डिफरेंट पॉइंट्स को आप समझेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, लेट्स से
दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, कौन कौन सा? गुड एक्स एंड गुड वाई, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हम शो करेंगे गुड एक्स का प्रोडक्शन और वाई एक्सिस में हम शो करेंगे गुड वाई का प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन परसेंटेज कर्व जो होगा वो इस तरह से होगा डाउन, तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कर, ठीक है। ये है गुड वाई का प्रोडक्शन यहाँ तक, ये इसमें कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। इसमें जो भी पॉइंट्स है ये क्या शो करेगा, ये गुड एक्स और गुड वाई का कॉम्बिनेशन है, कितना अमाउंट ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना अमाउंट ऑफ गुड वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि पॉइंट ए में अगर हम देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसको देखिए, पॉइंट ए में वाई का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है ओ एम, और क्यू का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है। पॉइंट बी में वाई का प्रोडक्शन हो रहा है ओ एन यूनिट्स, ठीक है, और x का प्रोडक्शन हो रहा है कितना o r यूनिट्स। उस तरह से पॉइंट c में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पॉइंट c में प्रोडक्शन हो रहा है y का o s यूनिट और x का हो रहा है o t यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में, बट इसमें हर एक पॉइंट में क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज है वो इसका अपना फुली यूटिलाइज हो गया, इस लाइन में कोई भी पॉइंट है, ठीक है। ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, इसको ही हम लोग बोलते हैं पीपीसी, पीपीएफ या फिर टीसी, इस कर्व को जो भी शो करता है कि गुड एक्स और गुड वाई का कितना कितना अमाउंट में प्रोडक्शन करना पॉसिबल है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इस कर्व के बाहर में अगर या अंदर में कोई पॉइंट है तो उसका क्या मतलब है वो भी समझ लीजिए। जैसे ए बी सी, इसको छोड़ के यहाँ पर एक पॉइंट है डी, ठीक है। तो डी कहाँ पर है, ये प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व के बाहर है, ठीक है। तो बाहर है मतलब ये पॉइंट में प्रोडक्शन पॉसिबल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम पहुँच ही नहीं सकते, इतना इसके लिए जो है रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, बट हमारा रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, तो जो भी रिसोर्सेज अगर उसको फुली यूटिलाइज कर भी लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन जो है यहाँ पर होगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, एक का प्रोडक्शन अगर हम बढ़ा रहे हैं दूसरे का घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पर अच्छे से मतलब डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हम कौन सा कॉमोडिटी प्रोड्यूस करें और कौन सा नहीं करें, ताकि जो कौन सा उसको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ऑब्वियसली एक का प्रोडक्शन बढ़ाने से दूसरा घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर अनलिमिटेड होता तो कोई बात नहीं, चाहे जितना प्रोडक्शन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भाई रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, बट ऐसा कुछ है नहीं। हम जब भी प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा ध्यान में रखना पड़ेगा रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसलिए हमको जो है प्रॉपरली मतलब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितना प्रोड्यूस करें कौन से गुड्स का, ठीक है। तो इसलिए देखो एक का जैसे बढ़ रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर पहले वाई का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था और एक्स का प्रोडक्शन कम था, राइट, लेकिन जैसे जैसे वाई का प्रोडक्शन कम था क्या एक्स का प्रोडक्शन बढ़ता गया, यहाँ से यहाँ पर आया तो एक्स का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया एक्स का प्रोडक्शन और बढ़ गया, ठीक है। इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एक्स का प्रोडक्शन घट रहा है वाई का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये जो है इस तरह का कर्व बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और जो भी हमको प्रोडक्शन करना है उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर में ही प्रोडक्शन करना है, इसीलिए एक कॉमोडिटी का प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है तो ऑब्वियसली मेरे को दूसरा घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिसीजन ये लेना पड़ता है कि किसको घटाया जाए और किसको बढ़ाया जाए ह्यूमन वांट्स को नजर में रखते हुए, कि किस चीज की ज्यादा जरूरत है अभी, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का भी जो है मतलब सिलेक्शन किया जाता है, कौन सा कुछ ज्यादा प्रोड्यूस करे और कौन सा कम प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ के पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। ये शो कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट
कॉम्बिनेशन ऑफ टू कम्युनिटीज एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन शो करे कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है। और इसके बाद मैंने क्या कहा, ये जो पॉइंट है ये अनअटेनेबल पॉइंट है कि इस लेवल प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इतना रिसोर्सेज है नहीं कि हम इतना प्रोड्यूस कर सके करेंटली। ठीक है, वेयर इज पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है कि हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज इतना है, हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हमने इतना ही प्रोडक्शन किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर हम बोल सकते हैं इनएफिशिएंट। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कब क्या था, कोई पॉइंट नहीं आया है, आया है, आया कोई पॉइंट नहीं, इसलिए यही शुड मीनिंग रहेगा कि हम प्रोडक्शन कितना कर सकते थे, बट कितना ही हमने प्रोडक्शन किया है, इसका मतलब जो रिसोर्सेज है, गिवन रिसोर्सेज है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया गया, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया गया, जिसके वजह से जितना प्रोडक्शन हम कर सकते थे, ठीक है, जो कि ये है अटेनेबल आउटपुट। इस लाइन में जो भी पॉइंट रहेगा ये सबको हम लोग बोलेंगे अटेनेबल आउटपुट, ये अनअटेनेबल है, ये क्या है अटेनेबल, इतना हम लोग अचीव कर सकते हैं, या फिर इसको पोटेंशियल आउटपुट भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल आउटपुट। ठीक है, कि इतना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, बट अगर इसके अंदर भी नहीं इतना प्रोडक्शन हुआ है, जो कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट होता है, इसके अंदर भी कोई भी पॉइंट, इसका मतलब यही रहेगा कि रिसोर्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है, इससे प्रोडक्शन कम हुआ। ठीक है, इस पॉइंट ये पॉइंट इंडिकेट करता है दिस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जबकि इसके बाहर में जो पॉइंट है वो ये इंडिकेट करता है कि इस लेवल पे अभी प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, मे बी फ्यूचर में अगर कभी रिसोर्सेज में ग्रोथ हो तो ये प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, बट एट द करेंट टाइम ये प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है इसके, तो ये था डायग्राम। जब आप एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम को, आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये कर्व के बारे में बताना पड़ेगा, इसके अंदर में पॉइंट के बारे में बताना पड़ेगा, इस पॉइंट के बारे में बताना पड़ेगा, इस पॉइंट के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, ये था बीपीसी का डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में एक और टॉपिक करने वाले हैं बीपीसी के बारे में, जो कि है बीपीसी के फीचर, जैसे बीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सो उसका रीजन क्या है, एंड नेक्स्ट वन इज पीपीसी इज कॉनकेव टू इट्स ऑरिजिन। ठीक है, तो अगर पीपीसी कॉनकेव है ऑरिजिन से, ये भी क्यों है, दिख रहा है कॉनकेव है ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन है, ये कॉनकेव है, अगर ऐसा है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये नॉर्मल क्यों होता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट है कि पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसा क्यों होता है पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि अगर मैं से गुड एक्स को मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, गुड वाई का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं दोनों को साथ में बढ़ाऊँ। ठीक है, अगर दोनों को साथ में बढ़ाता तो कर्व जो है इस तरह से बढ़ता। ठीक है, दोनों को साथ में बढ़ाना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, अगर मेरे पास एक लाख रुपए है इसी के अंदर में मेरे को जो है प्रोडक्शन करना पड़ेगा, अब मेरे को चूज करना है कि इसके अंदर में मैं कौन कौन सा प्रोडक्शन, कितनी गुड वन गुड टू, इसका किस गुड में कितना खर्चा करके मैं प्रोडक्शन करूँ। ठीक है, ये मेरे पास लिमिटेड, इसको हम बोलेंगे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से मेरे को गुड वन और गुड टू में ये चॉइस करना पड़ेगा कि मैं इसका कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करूँ और इसका कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करूँ। ठीक है, और ये बात नेचुरल है कि अगर मैं एक का प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो इसका प्रोडक्शन मुझे कम करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ तो गुड वाई का जो प्रोडक्शन मुझे घटाना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है, मैं इसको कांस्टेंट मतलब सेम भी नहीं रह सकता, ए भी नहीं रह सकता, गुड एक्स गुड वाई का प्रोडक्शन उतना ही है और मैं गुड एक्स को बढ़ा सकता, ये भी नहीं कर सकता मैं, और ना ही इसको बिना लगा बढ़ा सकता। ठीक है, तो हमेशा ये कोई भी इसको अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्शन को जो है घटाना पड़ेगा, तभी आप इसको बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन ये है कि एक कॉमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरा कॉमोडिटी का प्रोडक्शन जो है घटाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स का भी देखिए पहले बता दें, फिर से वही चीज, यहाँ से यहाँ जब आया वाई का बढ़ गया, यहाँ से आया वाई का और बढ़ गया, वाई का के घटा कर एक्स बढ़ गया, तो ड्यू टू दिस रीजन जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, कि एक का प्रोडक्शन
बढ़ाने के लिए दूसरा घटाना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रूट कॉज वगैरह जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में सिर्फ हवा और सनलाइट छोड़ के और कुछ अनलिमिटेड है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है कि पीपीसी इज कॉनकेव टू इट्स ओरिजिन। तो पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है इस बारे में समझते हैं, ठीक है। पीपीसी इज कॉनकेव, सो पीपीसी का कॉनकेव होने का रीजन एक ही है, वो है हमारा एमआरटी, इसको फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है बता दो। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है कि अगर मेरे को एक यूनिट प्रोडक्शन किसी कम्युनिटी का बढ़ाता हूँ, दो कम्युनिटी है गुड एक्स एंड गुड वाई, ठीक है। तो गुड एक्स का वन यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे गुड वाई में कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या है मार्जिन इज द सैक्रिफाइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन कॉमोडिटी ड्यू टू वन यूनिट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द अदर कॉमोडिटी। ठीक है, मतलब एक गुड का अगर वन यूनिट प्रोडक्शन मुझे बढ़ाना है तो उसके लिए दूसरे यूनिट में कितना वैल्यू घटाना पड़ेगा, वो है एमआरटी, ठीक है। तो एमआरटी जो है इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, एमआरटी जो है बढ़ता रहता है। पीपीसी कंटिन्यू होने का मेन रीजन यही है कि एमआरटी इज इंक्रीजिंग, एमआरटी हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, तो हमने एमआरटी के बारे में समझा, ठीक है, और ये भी जाना कि पीपीसी के कम के होने के पीछे रीजन क्या है, इंक्रीजिंग एमआरटी, ठीक है, इंक्रीजिंग एमआरटी, ठीक है, या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसको हम बोलते हैं दूसरे नाम से, ठीक है। तो एमआरटी इंक्रीज होने की वजह से जो है मतलब पीपीसी कम के होता और एमआरटी क्या है वो हमने देख लिया, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज एमआरटी राइज भी होगा डिक्रीज भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो एमआरटी राइज इसलिए होता है क्योंकि जो रिसोर्सेज है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है सभी तरह का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये जो पीस ऑफ लैंड है ये तो हमारे पास फिक्स रहेगा, जितना लैंड है उतना लैंड रहेगा, ये तो कभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है, इस पीस ऑफ लैंड को यूज करके हमें दो प्रोडक्शन करना है, राइस एंड पोटेटो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये दोनों को प्रोडक्शन करना है इसी लैंड में, ठीक है। बट पॉसिबल किस तो ये हो सकता है, या फिर ये होता है कि कोई भी लैंड जो है किसी एक तरह का फसल के लिए ज्यादा उपजाऊ होता है और दूसरे तरह के फसल के लिए वो कम उपजाऊ रहता है। तो मान लीजिए ये लैंड में राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है एंड पोटेटो का प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो अगर इसमें हमको पोटेटो का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, ठीक है, अगर एक यूनिट पोटेटो का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा क्या होगा, राइस को ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि इसका प्रोडक्शन हम वन यूनिट बढ़ा सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लैंड जो है पोटेटो प्रोडक्शन करने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है जितना कि राइस प्रोड्यूस करने के लिए है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एमआरटी हमेशा इंक्रीज होता है, व्हाई, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट एवरी रिसोर्सेज इज नॉट इक्वली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस, ठीक है, अदर गुड्स, ठीक है। जैसे ये अगर राइस प्रोड्यूस करने के लिए एफिशिएंट है तो पोटेटो में प्रोड्यूस होगा बट उतने क्वांटिटी में नहीं होगा जितने क्वांटिटी में ये राइस प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज इसका जो एफिशिएंसी है फर्टिलिटी वो राइस के लिए ज्यादा है पोटेटो के लिए कम है, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ द रीजन की जो है रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है इन प्रोड्यूसिंग एवरी टाइप ऑफ कमोडिटीज, इसलिए हमारा जो है एमआरटी क्या है बढ़ता है, क्योंकि
एमआरटी क्या रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मींस कि इसका मुझे कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इसका वन यूनिट बढ़ने के लिए। अगर ये पोटैटो प्रोड्यूस करने के लिए एफिशिएंट नहीं है दैट मींस राइस को काफी हद तक मेरे को कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा ताकि इसका प्रोडक्शन मैं कभी बढ़ा सकूं, है ना। तो यही ये रीजन है पीपीसी कंकेव होने का कि ड्यू टू राइज इन एमआरटी। व्हाई डज एमआरटी राइज? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है इन प्रोड्यूसिंग ऑल टाइप ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो भी पांच टॉपिक्स पढ़े हैं आप इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पीपीसी का और भी जैसे शिफ्ट इन पीपीसी एंड रोटेशन इन पीपीसी इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय।